हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी बिजी लाइफ इतनी हो गई है कि हम अपने और कामों पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम तनाव में चले जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत नुकसान देता है। दोस्तों, अगर हम अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ज़रूरी काम क्या है और हमें अपने शरीर पर, अपने आप पर कैसे ध्यान देना चाहिए, हम अपने ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते और साथ के साथ हमारे काम लेट होते चले जाते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी इसी वीडियो में तनाव को दूर करने का उपचार लेके आई हूँ। दोस्तों, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें शुगर, कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है और हमें तनाव की तरफ लेके चला जाता है। अगर आपको दोस्तों तनाव से बचना है तो अपने खान पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर आपको अपने तनाव से बचना है तो आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए जो आपके खान पान से रिलेटेड होते हैं। आपको समय पर आहार लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आप आहार ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है या आप उससे और डिप्रेशन पे जा रहे हैं तो अपने आहार को बदल दीजिए और समय के अनुसार आप अपना आहार लीजिए। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन पे तो प्लीज़ थोड़ी देर आप शांत हो जाइए, अपने काम पर फोकस कीजिए ताकि आपका मन शांत हो जाए और जिससे आप तनाव से दूर हो जाएँ और अपने काम पर फोकस करने में आसानी होगी। दोस्तों, शांत होने पर और ज़्यादा तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज एक ऐसी स्थिति होती है जिससे आप करने पर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रहती है, आपकी बॉडी में एक्सरसाइज से फुर्ती भी आती है, यहाँ तक कि आप तनाव से भी दूर हो सकते हैं। जिससे एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग भी शांत हो जाता है और आप अपने काम पर फोकस भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है अच्छी नींद लेना। कामकाजी दुनिया में लोग भूल जाते हैं कि उन्हें किस समय सोना चाहिए और किस समय नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना काम में ध्यान देते हैं और अपनी नींद को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण होता है आपके तनाव में जाने का। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सोएं तो अच्छी नींद लें, नींद के अनुसार सोएं और दोस्तों कसरत करते रहिए जिससे आपका तनाव दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपचार जो आप प्रकृति से जुड़े हैं। दोस्तों, मेडिसिन भी आती है बट इसका उपचार ना कीजिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।